अर्थराइटिस के बारे में डिस्कशन किया जाए तो दो किस्म के अर्थराइटिस मेनली है। पहला है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, दूसरा है ऑस्टियो अर्थराइटिस, जो ज्यादातर नी घुटने में हम लोग देखते हैं। नी पेशेंट ज्यादातर, इससे नी पेन का पेशेंट को ऑस्टियो अर्थराइटिस बहुत कॉमन हो गया। लेकिन रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो भी काफी पेशेंट को हो रहा है। हमारे सेंटर्स में बहुत सारे पेशेंट मरीज आते हैं इसके, और आज जो पेशेंट का हम आपको डेमो दे रहे हैं उसमें भी रिमेटॉइड अर्थराइटिस का केस है, जिनका ब्लड में इतना सारा रिमेटॉइड अर्थराइटिस ब्लड रिपोर्ट में आया था। और दूसरे रिपोर्ट्स में जो हमारे यहाँ पे महज 12 या 15 सेशंस करके जो रिपोर्ट उनको आया, बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही कम आ गया, पहले से काफी कम हो गया। और उनका जॉइंट्स जो डिफॉर्मेशन हो रहा था, हाथ ऐसे हो जा रहे थे, ऐसे टेढ़े हो जा रहे थे, जॉइंट्स डिफॉर्मिटीज जो है वो भी काफी कम है। तो आप आइए, हम पेशेंट से सीधा बात करते हैं और आप इस चीज को देखिए। और आज का सेशन वीडियो, जब आप इस वीडियो में एंटर करेंगे तो हम लोग हेल्थ के लिए वीडियो बनाते हैं और एक नेचुरोपैथी, इंडियन ट्रेडिशनल थेरेपी, न्यूरोथेरेपी को प्रमोट करते हैं। इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि हमारे प्रोत्साहन के लिए एक लाइक और एक शेयर जरूर करें और अपने न्यूरोथेरेपी चैनल को, न्यूरोकला चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अभी आपको दिखाते हैं कि पेशेंट क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसका थेरेपी क्या कैसे किया जाता है। आरए फैक्टर का केस आप देखिए, आज के डेट में रिमेटॉइड अर्थराइटिस को नहीं जानता ऐसा कोई नहीं, पहचान नहीं ऐसे कोई। हर व्यक्ति जानता है कि क्या बीमारी है, हर जॉइंट को कोलैप्स कर देता है और एक सर्टेन रेंज के बाद में जॉइंट कोलैप्सेशन स्टार्ट होता है। मिडिल एज में ज़्यादा होता है यह प्रॉब्लम, और थोड़ा एज बढ़ने से प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो हमारे आज मेरे हाथ में दो रिपोर्ट्स है जो क्वाइट एस्ट्रोनिशिंग है, आप इसको बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये रिपोर्ट्स हमारे पास है, आप देख सकते हैं, इसका ओरिजिनल कॉपी है। पहला रिपोर्ट जो हुआ है, थोड़ा नजदीक दिखाइए एकदम ला करके, देखिए 2140 आरए फैक्टर था इस पेशेंट का, महज 14 डेज ट्रीटमेंट हुआ इनका, ठीक है। उनका उस समय हैंड कोलैप्सेशन चालू हो गया था, रिस्ट जॉइंट कोलैप्सेशन चालू हो गया था, उसके बाद 14 डेज ट्रीटमेंट हुआ, ये पोजीशन में वो काफ़ी दिन थी। उसके बाद हमारा थेरेपी हुआ और हमने देखा ऊपर से एक प्रॉब्लम धीरे धीरे घट रहा है। तो फिर बाद में मैंने इनको बोला कि जैसे 12-13 दिन हुआ, मैं बोला आप एक बार टेस्ट करा लीजिए, तो जैसे मुझे डाउट हुआ कि कम हो रहा है तो एक बार देखना जरूरी है। तो उसके बाद टेस्ट कराया, उनका आया 100 मतलब 2140 से सीधा 100। न्यूरोथेरेपी में इसका बहुत सारा बेहतर उपचार है आरए फैक्टर का, आरए प्रॉब्लम का, और रिमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट्स को हम लोग काफी हद तक, क्योंकि अर्थराइटिस एक बार होता है तो पूरी तरह नहीं जाता, एक कंट्रोलेबल बीमारी है, बट इसका कोई एज सच मेडिकेशन नहीं है, पेन किलर और स्टीरॉइड की दवाई छोड़ के न्यूरोथेरेपी से इसका बहुत अच्छा उपचार होता है। मेरे साथ पेशेंट है, उनका नाम है मंजुला शाह, मैं उनसे पूछूंगा कि आप थेरेपी से पहले आपको कितना दर्द हुआ करता था, पेन कैसा रहता था? बहुत ज्यादा, हाथ पैर कौन कौन से जॉइंट में पेन होता, एकदम बेफिक्र होकर बताइए, कोई दिक्कत? सब जॉइंट्स, पूरे जॉइंट्स में होता था, पूरे जॉइंट्स, हाथ में ज्यादा था, हाथ में ज्यादा था, जैसे हम टेढ़ा देख रहे उससे टेढ़ा होना चालू हो गया था, फूल गया था टेढ़ा होना चालू हो गया था, पूरा खुला हुआ था, हिलता नहीं था। तो हमारे थेरेपी के बाद इनका जो है ये चीजों में काफी, मतलब उसमें मुट्ठी होता है। तो जैसे हम लोग पहला 10-12 दिन दिया आपको, उसी समय थोड़ा सा पेन सडनली बढ़ा था ना, थोड़ा सा पेन ज्यादा हुआ था। तो इनिशियली हमारा ट्रीटमेंट देने से हो सकता है पेन थोड़ा बढ़े, बट ये गुड साइन है, पेन बढ़ता है तो सर्कुलेशन एंड सेंसेशन बोथ विल इंक्रीज, और वो जॉइंट को रिस्टोर करने में, जॉइंट को ठीक होने में मदद करता है। तो ये भी इस पेशेंट, इनको इनके ऊपर भी वो चीज देखा गया था, डर गए थे पहले, इतना पेन क्यों बढ़ रहा है 7-8 ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन उसके बाद जैसे ही सबसाइड हुआ, उस समय ट्रीटमेंट काम कर रहा था, तो 10-12 ट्रीटमेंट के बाद ही मैंने बोल दिया आप टेस्ट करा के देख लीजिए, डेफिनेटली आपको बेहतर हुआ है पहले से। उनका भाई हमारे बैठे हैं बगल में, मन्नू भाई, शहर के मशहूर जो है सोशल वर्कर हैं, समाज सेवा करते हैं, तो एक बार आपका फीडबैक आप ही लाए थे उनको, थोड़ा आप बताइए कैसे आपको लग रहा है। शांतिमंदिर का बहुत शुक्रिया करता हूँ, मेरी बहन को जो तकलीफ थी वो रोती थी, काम नहीं कर पाती थी, तो हम अपने बुढ़ापे में क्या करेंगे, तो हमारे पास हमारी ट्रीटमेंट चल रही है, चलो तुम ही दिखा दो। तो नेचुरली अभी तो उनके मुंह से सुन लिया, सी इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है उनको, मैं भी खुश हूँ इस चिकित्सा से जो
फायदा होता है वो मार्केबल है। थैंक यू, थैंक यू, आप लोगों को धन्यवाद। और जरूर ये जो आज हमने इनका बावेल, हमारे पास एक और मशीन है जिससे बॉडी का डायग्नोसिस किया जा सकता है, उससे हमने किया तो उसमें और चेंजेस देखा जो इसमें 100 दिखा रहा है, इससे भी अभी टेस्ट करेंगे तो इनका जो नॉर्मल रेंज 18-20 तक नॉर्मल रेंज होता है तो लगभग उसके करीब आ गया होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। जैसे आप लोग जानते हैं रिमोटेड आर्थराइटिस के अंदर में बहुत सारे मेडिसिन डॉक्टर देते हैं, जैसे बहुत सारे नाम आप लोग कॉमन हो चुका है जो लोग आके बोलते हैं, जैसे फोलिक्स हो गया, सेसो वगैरह हो गया, जो नॉन एंटी इंफ्लेमेटरी नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन हो गया, ये सारे चीज जो है आरए के अंदर दिया जाता है, NSAID मेडिकेशन दिया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन दिया जाता है, उस तरीके से हमारे पेशेंट्स को हम न्यूरोथेरेपी में भी बहुत तरीके से इलाज करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, उनसे पूछते हैं उनके की फादर साइड या मदर साइड किसी को ये बीमारी है कि नहीं, उनके भाई बहन किसी को आर्थराइटिस की बीमारी, रिमोटेड आरए की बीमारी है कि नहीं, तो अगर है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी बदल जाता है, अगर नहीं है वो सडनली कोई मेडिकेशन या साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन से डेवलप किया ये बीमारी है तो फिर वो उसके लिए इलाज दूसरा होता है। लेकिन कोई भी इलाज हो तो उसके लिए हमारे न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपको आना पड़ेगा, एक्सपर्ट ट्रीटमेंट जो है न्यूरोथेरेपी सेंटर में ही मिल सकता है, पेशेंट के अनुसार हम लोग थेरेपी कस्टमाइज करते हैं उनके लिए। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा दूं, कोई सा भी थेरेपी आर्थराइटिस हो, कोई सा भी किसी तरह की भी आर्थराइटिस हो, आरए हो, उसके लिए कॉमन थेरेपी है जिसे दर्द थोड़ा कम होती है, मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे ये न्यूरोथेरेपी में पेन किलर का काम करता है आर्थराइटिस के अंदर में, इस तरीके के जो बायां फीट होता है, बायां जो लेग होता है, उसके थाइस के तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, घुटने से ऊपर, थाइस से नीचे, यहाँ पे प्रेशर लगाइए 6 सेकंड करिए, यहाँ प्रेशर लगाइए 6 सेकंड करिए, यहाँ पे प्रेशर करिए 6 सेकंड करिए, फिर यहाँ पर दबाइए 6 सेकंड के लिए, हम 1 सेकंड दिखा रहे हैं आपको 6 सेकंड करना, फिर इधर हर जगह 6 सेकंड, फिर इधर नहीं बीच में 6 सेकंड, तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3 किए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट्स 1 मिनट छोड़ छोड़ के आपको 6 बार करना होगा, खाली पेट दिन में 2 बार, आपका पेन में काफी इजाफा, काफी पेन में आपका कमी आ जाएगा। और एक दूसरा पॉइंट दिखाते हैं आपको जिसे कहते हैं, जैसे आप लोग टू मेडुला में हम लोग गावा एक्टिवेशन करते हैं, कभी कभी न्यूरोपैथिक पेन भी होता है आरए पेशेंट को, एकदम नर्वस सिस्टम के नर्व्स के अंदर में पेन आ जाती है और पेन पूरा रेडिएट करता है फुल बॉडी के अंदर में, तो उसके लिए हम लोग ये पॉइंट्स देते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, मेडुला ऑब्लोंगाटा यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर रब करते हैं, 1, 2 मतलब 4 बार रब कर रहे हैं, 1, 2, 1 हुआ, फिर 3, 4 ऐसे 4 बार, एक साइड लेफ्ट देन राइट, 1 मिनट छोड़ छोड़ के 12 बार करिए। दिस इज अ पेन रिलीफ ट्रीटमेंट फॉर आर्थराइटिस एंड बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, आप लोग इसको करके टेम्पररी रिलीफ पा सकते हैं, बट आरए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम देता है जिनको है, उनके लिए खाली ये पेन रिलीफ ही होगा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पेन रिलीफ के लिए आप ऐसा आपको घर में आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपर्टाइज थेरेपी के लिए, अगर ब्लड में आपका आरए पॉजिटिव है और आरए कितना है वो तो हम आज आपको रिपोर्ट में बताएंगे, आरए को कम करना है तो आपको न्यूरोथेरेपी सेंटर्स में आना ही पड़ेगा हमारे। धन्यवाद।